जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर देवीधार डुंडा स्थित रेणुका देवी मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया। मेले का शुभारंभ टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी उपस्थित रहे। 5 दिवसीय विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ शुक्रवार को माँ रेणुका देवी व कसलू देवता की डोली के सानिध्य में हुआ। मेला परिसर में सरकारी विभागों के द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। सूचना विभाग द्वारा सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों पर आधारित विकास पुस्तिका एवं नव वर्ष के कैलेंडर मेलार्थियों को वितरित किए गए। वहीं मुख्य अतिथि सांसद शाह ने अपने संबोधन में जिले की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विकास एवं सांस्कृतिक मेले के जनपद वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मेलों का सांस्कृतिक महत्व रहा है। जहां मेले लोगों को जोड़ते हैं, वहीं मेले में लोग अपने सुख दुख को भी आपस में साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है तथा विकास के क्षेत्र में भी यह जिला निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने जिले की 64वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनपद वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पारंपरिक मेले हमारी पहचान है। जैसा कि आपने टिहरी से ये जिला अलग हुए हैं, मतलब जिला अलग जरूर रहे हैं, मतलब टिहरी से कभी अलग नहीं है। टिहरी हमेशा एक था और हमेशा एक ही रहेंगे। और मेरा आशीर्वाद है कि हमारे लोग सब आगे बढ़े और सबको जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया, हम दोनों को, हम सभी को, सबको। सबसे पहले मैं उत्तरकाशी जनपद वासियों को जो आज हमारा 64वां स्थापना दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर माँ रेणुका का जो मेला कई वर्ष मतलब लगभग 8-10 वर्षों से लगभग ये लोग जो है इस मेले को यहां पर इसका आयोजन करते हैं और बहुत भव्य और दिव्य ये मेला जो यहां पर मनाया जाता है। आज हमारे बीच हमारी की हमारी माननीय सांसद भी यहाँ पर हैं और हम सबको अच्छा लग रहा है। लेकिन आज भी जहाँ हम सीमाओं से लोग हमारा जनपद लगा हुआ था और आज के दिन चाहे चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, हमारे अलग जनपद बने हैं और ये सीमांत जनपद थे और सीमांत जनपद में कहीं ना कहीं हम विकास में कहीं ना कहीं आगे बढ़े। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आज जहाँ हमारे जो हमारी सरकार है, जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी कि जनता अवरोही क्रम में हम कैसे जो है हर गांव को सड़क से जोड़े, कानून बनाया था और 2022 तक जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो कानून बना था उसके लिए आज हम दूर दूर के गांव में, चाहे पिलंका हो, अगोड़ा का हो, दूर दूर के क्षेत्रों तक जो हमारी सड़कें पहुँची है। लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और अभी भी बहुत कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। आज जो है जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये हम लोग 64वां जनपद स्थापना दिवस इसे मना रहे हैं और आज यहाँ पे मुख्य अतिथि माला राजलक्ष्मी शाह जी आई है, माननीय सांसद जी आई हैं और माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आज प्रथम दिवस था, आने वाले दिन में मेले का और भव्य कार्यक्रम कराया जाएगा। विशेष तौर पर 26 और 27 तारीख को यहाँ पे विश्वविख्यात डॉक्टर विपुल कंडवाल जी द्वारा यहाँ पे 2 दिवसीय निःशुल्क कैंप लगाया जाएगा, जिसकी बहुत सारे दूर दूर से लोग जो पेट के जो रोगी हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी कार्यक्रम है 27 तारीख को और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपेक्षित है 27 तारीख को आना। और जो है कल यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का भी कार्यक्रम है और भी बहुत सारे यहाँ पे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भी कार्यक्रम किया जा रहा है।